अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें। आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं पूरियों के साथ खाया जाने वाला हलवा। हलवा पूरी वाला हलवा बना रहे हैं हम, जिसके लिए यहाँ पे 1 कप सूजी है मेरे पास, 1 कप चीनी, 1 कप घी। ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से आप ले लें। 2-3 इलायचियाँ जाएंगी इसमें। जितनी आपने सूजी लेनी है उतनी ही चीनी और उतना ही घी जाएगा इसमें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने घी गर्म कर लिया, इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं और साथ ही इसमें सूजी डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं। इसको हम इतना भूनेंगे कि सूजी का कलर चेंज हो जाए, सूजी गोल्डन हो जाएगी और खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी सी आने लगेगी। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है घी के साथ, इतना हमने इसको भूनना है। बहुत ही जल्दी हलवा तैयार हो जाता है, कोई इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत मज़े का बनता है। पहले हम सूजी को भून लेते हैं घी के साथ अच्छी तरह से। सूजी हमारी भून चुकी है, कलर आ गया इस पे प्यारा सा। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। चार कप पानी डाला मैंने इसमें। पानी आप आराम से डालिएगा, इसमें स्टीम जो निकलती है जब हम पानी डालते हैं ना। हाथ अपना पीछे रखे, अब इसमें पानी डालें, साथ ही इसके अंदर चीनी डाल देते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालना। बस अब हम इसको पकाते हैं। हलवा गाढ़ा होने तक हम इसको पकाते हैं हल्की आंच पे। हलवा हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें ठीक हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हलवा हमारा तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।